यदि आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो उसको जल्द ही अपडेट करवा लें, नहीं तो आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। जी हां, सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लें, और यही वजह है कि इस समय मैं मौजूद हूँ CSC सेंटर पर, यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर। आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉमन सर्विस सेंटर है और ये सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट देती है, CSC जो केंद्र चलाते हैं उसको देते हैं, राजकुमार के नाम पर ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और इसी CSC सेंटर के माध्यम से तमाम जो गवर्नमेंट की जो योजनाएँ हैं या फॉर्म फिलअप वो होता है, और यही इनको कहा गया है 10 साल पुराने आधार कार्ड को 14 दिसंबर तक अपडेट करा ले, उसके बाद लगेगी पेनल्टी। ये यहाँ पर देखेंगे पोस्टर भी इन्होंने चिपका रखा है, और ये खुद राजकुमार है हमारे साथ मौजूद। राजकुमार जी, सरकार की तरफ से क्या आदेश आए हैं आपके पास? गवर्नमेंट की तरफ से आदेश ये है कि 14 दिसंबर से पहले आधार कार्ड अपडेट करा लें। वो आधार कार्ड जो 10 साल पुराने हैं उसमें रेजिडेंस प्रूफ और DOB या आइडेंटिटी प्रूफ ये अपडेट कराने, उसके लिए वोटर कार्ड और पैन कार्ड लेकर आना होगा, जिसे हम अपडेट कर देंगे। अभी तक तो ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं ले रही है गवर्नमेंट, और ये 14 दिसंबर के बाद शायद कुछ पेनल्टी लगे। 25 रुपये का टैक्स अभी लग रहा है? हाँ, वो गवर्नमेंट फीस है जो भी है, अभी फिलहाल तो वही है। तो आप देखिए यहाँ पे ये राजकुमार है जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलश है। कलश, आप क्या करवाने आए यहाँ पे? मैं अपना आधार अपडेट करवाने आया हूँ। जैसे अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें पता चला है कि आइडेंटिटी प्रूफ देना है और जो एड्रेस प्रूफ है वो भी देना है, तो पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मैं लेके आया हूँ अपना, उसमें लिंक करवाने और अपडेट करवाने के लिए आधार कार्ड। हो गया अपडेट? हाँ, अभी हो रहा है, बस हो रहा है। ये कुछ और भी लोग, क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश है जी। राम प्रकाश जी, आप भी आधार कार्ड अपडेट करवाने आए हैं? हाँ जी, आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आए। नहीं करवाएंगे तो पेनल्टी लगेगी? हाँ, पेनल्टी लगेगी। फिर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कस्टमर भी है, हालांकि अभी बहुत कम कस्टमर है क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो आधार कार्ड है उसको अपडेट किया जा रहा है, और यहाँ पर आधार कार्ड है जिनका 10 साल पुराना उसको अपडेट करवाया जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि 10 साल पुराना यदि आपका आधार कार्ड है तो उसको जल्द अपडेट करवा लें, अन्यथा आपको जो है उसकी जो राशि है वो लग सकती है। तो हालांकि अभी राशि तय नहीं है कितनी राशि लगेगी, लेकिन पेनल्टी आपको लग सकता है। तो ऐसे में 10 साल पुराना यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर या आधार कार्ड केंद्र पर जाकर वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। फरीदाबाद सिटी विभाग के लिए मुकेश कुमार।